रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन में मौजूद हैं और उसके इंजन में मौजूद हैं इस समय। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी खासियत है वो खासियत ये है, ये ट्रेन महिलाएं चला रही हैं। और ख़ास बात यह है कि नॉर्दर्न रेलवे की जो पहली महिला लोको पायलट हैं वो हमारे साथ हैं, लक्ष्मी जी। और देखिए किस तरीके से वो ट्रेन को बड़ी आसानी से चला रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने की अगर हम बात करें तो सिग्नल आप देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये विवेकानंद पुरी हाल्ट आ गया है यहाँ पर दिल्ली सराय रोहिल्ला का। और यहाँ निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये ट्रेन चलाई जा रही है वो अपने आप में एक मिसाल है। और यहाँ पर इस ट्रेन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जो लोग इसमें बैठे हुए हैं अगर उनसे हम बात करें, उनसे पूछें ये ट्रेन कौन चला रहा है, तो शायद उन्हें नहीं मालूम होगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि ये ट्रेन देश की महिला शक्ति चला रही है। और ऐसा नहीं है कि इनको कोई अनुभव नहीं है, एक बड़ा अनुभव है, एक बड़ी हम कह सकते हैं लंबा अनुभव है। 15 साल पहले इन्होंने ये काम शुरू किया था, तो कहीं ना कहीं हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये एक बड़ा काम है और ये आसान नहीं है, क्योंकि अच्छे अच्छों को इस भारी भरकम ट्रेन को चलाने में कहीं ना कहीं घबराहट होती है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पूरी तरीके से नज़र आता है। और लक्ष्मी जी, जैसे आपने 15 साल पहले जो ट्रेन चलाई थी और आज चला रहे हैं, 15 साल पहले कौन सी ट्रेन चलाई थी? सर, 15 साल पहले मैं रेल में ज्वाइन की थी एज लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। और शुरुआती दौर में तो जो हमारा वर्किंग हुआ वो ऑफिस में था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि तब प्रशासन को भी, चूंकि मैं पहली लोको पायलट आई हुई थी, तो प्रशासन भी इस चीज़ के लिए सोचता था कि कैसे हम काम करवाएं। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब मैं आगे 2011 से मैं कंटिन्यू में लाइन पे वर्क कर रही हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस है। शुरुआती दौर में मैं लाइट इंजन हो गया, ECR हो गया, जो खाली गाड़ियाँ होती हैं उसमें वर्क करती थी, और अभी पिछले 5 सालों से पैसेंजर में कंटिन्यू वर्क कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेन चलाने की बात समझ सकते हैं, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर निश्चित तौर पर जब दिल्ली और आसपास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का जो ट्रैक है आसपास अगर हम देखें तो तमाम झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये आसान नहीं है क्योंकि इन ट्रैक्स पर भी लोग चलते रहते हैं, तो वो भी नज़र रखनी है, हॉर्न देना है, लगातार हॉर्न देना है। ये देखिए, तो इस तरीके की स्थितियाँ आम हैं क्योंकि आसान काम नहीं है। और जब भारी भरकम ट्रेन होती है तो जब हम उसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक लगातार आपको ट्रैक पर नज़र रखनी है, हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं लगातार ट्रैक पर नज़र रखनी है। और ट्रैक पर नज़र रखते रखते आपको ट्रेन चलानी है, साथ ही साथ सिग्नल भी देखने हैं और इसके अलावा आपस में तारतम्य भी रखना है, क्योंकि लोको पायलट और को लोको पायलट दोनों के बीच में तालमेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक सिग्नल, एक एक हम कह सकते हैं जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं जो रेलवे के लिए, उनका हिसाब किताब रखना, क्योंकि नोट भी किया जाता है, सारी चीज़ें सारी जानकारियां भी लगातार रखी जाती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं वर्किंग, देखिए अगर वर्किंग की बात करें आप देख सकते हैं लगातार हाथ चल रहा है, साथ ही साथ एक हाथ में अगर हम देखिए देखिए। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आसान नहीं हैं, क्योंकि अगर हम किसी को कहें कि हाँ ये करके दिखाओ, तो अभी भी अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए उसके बाद भी उसको कहीं ना कहीं डर लगेगा, क्योंकि जिस तरीके का ट्रैक होना चाहिए, ट्रैक तो बेहतरीन है लेकिन आसपास जिस तरीके की आबादी है उसको भी आपको नज़र में रखनी है। और सिग्नल की अगर हम बात करें तो सिग्नल को भी लगातार आपको नज़र में रखना है, तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं काफ़ी चैलेंजिंग होती हैं। और ये चैलेंजेज हम कह सकते हैं कि आज की जो महिला शक्ति है, ये आज की जो महिलाएं हैं उन्होंने उसको स्वीकार किया है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्वीकार किया है। और ये देखिए जैसे यहाँ पर सिग्नल किस तरीके का है, क्या है, इस पर आपस में बातचीत हुई है। तो यहाँ आप देखो किस तरीके से ट्रेन को चलाया जाता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ कि इंजन के अंदर से ही आप देखिए कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के चैलेंजेज हैं, किस तरीके की एक तरीके से हम कह सकते हैं परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, और इन सारी दिक्कतों को पार करते हुए ये ट्रेन चलाई जाती है। ये देखिए, मैं देखिए सिग्नल जो है येलो हो चुका है, तो यहाँ पर ट्रेन फिर रफ्तार पकड़ेगी। ये देखिए,
जब दिल्ली और आसपास के इलाकों में जब ट्रेनें चलती हैं, खास तौर पर दिल्ली सबर्बन की हम बात करें, उसी तरीके की ये ट्रेन है और यहाँ आसपास दिल्ली के अंदर ढेर सारी झुग्गियाँ हैं जो हम कह सकते हैं रेलवे की ज़मीन पर ही हैं और वहाँ के लोग कहीं कई बार होता है वो ट्रैक पर ही बैठे होते हैं और आर पार जाते रहते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है। तो स्पीड जो है बहुत ज़्यादा नहीं की जा सकती है और बड़े धीमे धीमे जो है ट्रेनें चलाई जाती हैं क्योंकि कोई दिक्कत ना पैदा हो और सबका ख्याल रखा जाता है, ख़ास तौर पर चूँकि इसमें पैसेंजर जो हैं उनका भी ख्याल रखना है क्योंकि उनको भी दिक्कत ना हो और जो आसपास के लोग हैं उनको भी दिक्कत ना हो, तो ये एक बड़ा हम कह सकते हैं चैलेंज है। लक्ष्मी जी, जो आसपास लोग हैं अगर हम उनकी बात करें जिस तरीके ट्रैक पे आते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इनको ध्यान रखना चाहिए? सर, लगता तो है कि उनको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो आसपास में रहने वाली जो घनी आबादी है उनको भी यहाँ रह के उनको सारा एक्सपीरियंस है कि वो गाड़ी कितनी दूरी पे है और वो क्रॉस कर जाएंगे। कई बार तो हमें डर लगता है कि कहीं वो कट ना जाए, लेकिन जनरली वो पार कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं लोको पायलट के लिए एक बड़ा चैलेंज है और दया बस्ती से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, और दया बस्ती एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ढेर सारी झुग्गियाँ हैं और स्टेशन के अंदर ही झुग्गियाँ हैं, और जब कभी इनको हटाने की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं स्थानीय प्रशासन का जो सहयोग चाहिए, स्थानीय सरकार का जो सहयोग चाहिए, वो रेलवे को नहीं मिल पाता है। तो एक जब हम रेलवे को एक वर्ल्ड क्लास बनाने की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ध्यान देनी पड़ेंगी। आप देखिए किस तरीके से स्टेशन पर ही आप देख सकते हैं कि अंदर ही झुग्गियाँ बनी हुई हैं, तो ये जब लोको पायलट से आप बात करोगे तो उनके लिए एक बड़ा खतरा भी रहता है क्योंकि इस तरीके से सामने लोग आए और कोई उनको दिक्कत हो, ये कोई नहीं चाहता है। और ख़ास तौर पर जब इस तरीके का आप काम कर रहे होते हो तो अपनी सेफ्टी साथ ही साथ पैसेंजर की सेफ्टी ये काफ़ी ज़रूरी होती है। आप यहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से झुग्गियाँ दया बस्ती और आसपास की झुग्गियाँ बिल्कुल पटरी पर ही बनी हुई हैं और तमाम जो बच्चे हैं यहीं अंदर ही खेलते रहते हैं, तो एक बड़ा जो है चैलेंज रहता है। और ख़ास तौर पर अगर हम लोको पायलट्स की बात करें तो उनके लिए ये आसान नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जब ट्रेनें चलती हैं तो ट्रेनें जब चलाई जाती हैं उनकी रफ्तार कम करनी पड़ती है और यहाँ पर आप समझ। अच्छा लक्ष्मी जी, एक और चीज़ बताइए, जब आप ट्रेन जब चलाती हैं तो उसके उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखती हैं? सर, सबसे पहला तो जब हम ट्रेन चलाते हैं तो हमें सिग्नल का खास ध्यान रखना पड़ता है कि सिग्नल हमारे लिए क्या कह रहा है, और जो स्पीड के कॉशंस होते हैं उस कॉशंस पे हम खास ध्यान रखते हैं क्योंकि कई बार ट्रैक कमज़ोर के लिए कॉशन लगा होता है, कई बार कहीं पर काम चल रहा होता है, इन चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है। और चूंकि पूरी गाड़ी में ये पैसेंजर गाड़ी है तो हमें ये भी देखना होता है कि गार्ड पीछे से हमें ऑल राइट दे रहा है या नहीं दे रहा है, कहीं गार्ड रुकने को तो नहीं कह रहा है, इस चीज़ को भी हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। तो एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तमाम कॉशंस होते हैं और तमाम चीज़ों को लिख कर भी दिया जाता है। और दूसरी बात है, एक ही रूट पर ये लोको पायलट चलते हैं तो इनको अपने दिमाग में भी रखना होता है कि कहाँ पर क्या है। कैमरामैन शुभम के साथ, सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, नई दिल्ली।